चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिकोर नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा, बाय सेलिंग टू आर्टिकल फॉर ₹800, अ पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ थ्री आर्टिकल, द प्रॉफिट परसेंटेज। यानी एग्जामिनर ने पूछा कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक्चुअली एग्जामिनर ने क्या कहा, उसने दो आर्टिकल बेचे हैं, यानी कि दो आर्टिकल का आपका एस पी वो बराबर है आपका दो आर्टिकल की सी पी और प्लस के प्रॉफिट के बराबर। और प्रॉफिट उसने क्या दे रखा है, तीन आर्टिकल का सीपी जो है उसका प्रॉफिट है। तो तीन आर्टिकल का सीपी उसका प्रॉफिट है, तो इसको जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, टू एस पी इसका टू में फाइव सी पी, तो एस पी अपोन में आपका सीपी, इसका रेशियो निकालूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, फाइव, और ये कितना हो जाएगा, टू। यानी दो रुपये उसका अगर क्रय मूल्य था तो बेचा कितने में उसे, ₹5 में। इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस कितना, तीन बटे में आपका दो इन टू में हंड्रेड, तो ये कितना आएगा, फिफ्टी। यानी कि 150% का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ होगा। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार और देखते हैं जरा से, पहले एक बार समझते हैं, सी पी प्लस का जो प्रॉफिट होता है वो बराबर क्या होता है, आपके एस पी के बराबर होता है। अब इसने क्या कहा कि भाई दो आर्टिकल का जो सी पी है उसको बेचेगा, कितने बेचेगा, ये आपका ₹800 में दोनों आर्टिकल को, तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो तीन आर्टिकल के सीपी के बराबर हो रहा है, यानी कि तीन आर्टिकल के सीपी के बराबर हो। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो फाइव सीपी इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 800, इससे काटूंगा तो कितना हो जाएगा, सीपी इजकल टू कितना हो जाएगा 160। यानी कि एक आर्टिकल की जो कीमत होगी वो ₹160 की, ₹160 कीमत होगी, तो दो आर्टिकल कितनी होगी आपकी, 16 × 32 यानी कि ₹320। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तीन गुना का, तो तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 × 3 = 48 इंटू में 100 करेंगे आपका, तो इससे मेरा ये जाएगा 16 × 32 और 16 × 3 = 48 और ये कितना जाएगा 50। यानी कि 150% का क्या होगा, उससे आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।